Hello everyone, good afternoon and welcome to the class on how to prepare for RC and what to prepare. ये बड़ा सवाल है सबके लिए, बड़ा क्वेश्चन है कि सर तैयारी कैसे करें. वी वॉन्ट टू डू गुड फॉर RC, राइट? RC के लिए बहुत प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट कैसे करें और क्या करें, दैट इज़ ए बिग क्वेश्चन, राइट? नाउ इन दिस वीडियो I'm going to help you with how you can plan your preparation for next few months and what exactly you need to prepare when we talk about RC part and verbal ko kaise hum strong bana sakte, especially wo log jinka verbal weak hai ya jinko verbal se dar lagta hai, right? Un logon ke liye aaj ka class jo hai usme main ye bataunga ki aap kaise apne verbal ko strong bana sakte hain. Step by step guide hoga ye, right? And you will be able to score very good in verbal if you follow what I'm going to tell you, right guys? तो बिना time waste के start करते हैं. सबसे पहले ये समझिए कि RC funda के total 4 sessions हैं. ये second session है. पहला session हमने किया था जिसमें हमने preparation, हमने understanding of context की बात की थी कि कैसे context को समझते हैं. RC speed के बारे में नहीं है, speed बाद में बात करेंगे, पहले context समझ लेते हैं. और उसमें मैंने आपको एक philosophical article जो कि रियल कैट क्वेश्चन था उसको करके दिखाया था कि उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और ये वाला जो क्वेश्चन है, इस सेशन में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे, क्या किया जाए और कैसे किया जाए. हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, बिग क्वेश्चन. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट your preparation strategy as far as your verbal and specifically reading comprehension is concerned. सो गाइज, ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स हाईलाइट किया है. वेलकम टू ऑल दोज हु हैव ज्वाइंड अस लेट, थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन. दिस चैनल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एंड आई होप यू आर गेटिंग रियली यूजफुल कंटेंट. प्लीज डू शेयर योर फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है और आपका कोई खास एक्सपेक्टेशन है वो भी बता सकते हो भाई लोग, राइट? और माई नेम इज सोनी गोयल, मई योर फ्रेंड. आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल. सो गाइज, जो हमारा ये RC है, इसमें जो लोगों को प्रॉब्लम आता है, what commonly people face problem is, they face problem, number of problems, और उसमें एक understanding नहीं होता है, समझ नहीं आता भाई क्या problem है. उसके बाद छोटा छोटा problem भी आता है कि भाई जैसे concentration नहीं बनता. ये मैंने दो एक्सट्रीम्स हाईलाइट किए. समझ ही नहीं आ रहा है वो एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है, समझ तो आ रहा है पर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा वो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है, राइट? ये छोटे-छोटे जो जो भी आपका प्रॉब्लम है इनको अगर हम समराइज करते हैं तो इनको मैं चार पांच ब्रॉड उसमें डिवाइड कर सकता हूँ. कि पहला जो रहता है कि भाई हमें कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, दूसरा कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, फिर रीडिंग स्पीड नहीं आ रही है, और फिर एक्यूरेसी स्कोर स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है. तो ये मेरा चार मेन प्रॉब्लम्स है, राइट? हाउ टू गेट द बैच नंबर, या यू विल गेट इट पुषार्थ. आई होप यू आर पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप एंड इफ यू आर नॉट प्लीज डू ज्वाइन दैट एंड सो यू विल बी रियली फॉलोड बाय द टीम. और उसके बाद वो तुम्हें बता देंगे कैसे करना है ये, है ना? पहले आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. दिस IDs आर गिवन टू द स्पेशल 100 पीपल, दोज हु वर द फर्स्ट वंस टू ज्वाइन द चैनल. उनको हम पर्सनली मेंटर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ये 100 लोगों को मैं पर्सनली मेंटर कर रहा हूँ. और जो लोग मेरे पर्सनल बैच में आना चाहते हैं उसके लिए मैं बताऊँगा क्या स्ट्रेटजी है, कैसे रहेगा. अभी के लिए ये समझो कि यार पहला हमारा प्रॉब्लम था कि टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, क्या कहानी है, उसको हम कर चुके हैं. सेकेंड चीज़ जो है वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें, राइट? और फिर इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं रीडिंग स्पीड की बात करूँगा. तो जो पहले वाला पार्ट है RC फंडा, इसका वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. इसमें हमने बात किया था अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट का और कैसे हम कन्फ्यूजिंग आइडियाज़ को समझ सकते हैं, राइट? आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या प्रिपेयर किया जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, कहाँ अंत किया जाए. सो टुडे वी हैव विद अस आर माई मॉडरेटर विद मिस्टर सरताज सिंह. ही विल बी helping out for your queries guys. So अभी तक अगर आपने इसको share नहीं किया है please do that as soon as possible. तो सबसे पहला आ गया कि भाई पांच problem हम one by one बात करते हैं. शायद आपका भी इसमें से कोई problem हो, जो आपका इसमें से एक problem है वो लिख के दीजिए. पांचों के पांचों हैं तो वो भी ठीक है, but I want one problem out of these five problems. कि सर मेरा 1 2 3 4 5 problem है, इसके अलावा कोई और problem है,
रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी प्लीज डू राइट इट हियर एज सून एज पॉसिबल. सबसे पहला क्या है कि नॉट एबल टू प्लान माई आरसी प्रिपरेशन. सब लोग बताते हैं आरसी अच्छा होना चाहिए, आरसी बढ़िया होगा, रीडिंग अच्छा कर लो, बट करें कैसे. सेकेंड, मैं सर तैयारी शुरू कर दी है, करता हूँ, बट मेरे को कुछ आउटकम नज़र नहीं आती. मेरे को नज़र नहीं आता कि यार ये चल क्या रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. थर्ड थिंग, सर कॉन्टीन्यूटी नहीं बनती है. कॉन्टीन्यूटी नहीं बनती मतलब क्या हुआ भैया, कि दो दिन तैयारी करते हैं, तीसरे दिन मन नहीं करता, गड़बड़ हो जाता है, राइट. चौथा प्रॉब्लम है, दोनों में फ़र्क है भैया, तीसरा और चौथा प्रॉब्लम है. चौथा प्रॉब्लम है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता. बहुत जल्दी बुक शुरू किया पढ़ना और इंटरेस्ट लूज़ हो गया, कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया. कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है बट एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ. तो दोनों में फ़र्क है, एक तो है कि भाई मेरा कॉन्टीन्यूटी नहीं बन रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ. दूसरा, मैं पढ़ तो पा रहा हूँ बट एक चीज़ को फिक्स करके नहीं कर पा रहा हूँ. और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि भाई हमारा रीडिंग हैबिट नहीं बन पा रहा है. इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आशीष कौंडल से इज़ नॉट एबल टू प्लान. जो लोग नए हैं वो लिख दीजिए. बाइबेक साहब कहते हैं 1345, हाँ सारा कुछ, सभी प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं. नॉट एबल टू, अपना अपना चीज इसका जो जो प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इसके कुछ सॉल्यूशंस देने वाला हूँ जिसको देख के शायद आपको फ़ायदा होगा. मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाया है आपके लिए, इसमें ऐसा कंसीडर किया है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपका जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपके लेवल पे सॉल्व करने की बात की है, ना कि मैंने बहुत बड़े बड़े हाई फाई लेवल पे उसको सॉल्व करने की बात की है. उसमें क्या होता है कि मैं आपको कहानी ज्ञान तो दे दूंगा, बट उस ज्ञान का फ़ायदा क्या होगा, यूज़ कितना होगा, वो बेटा क्वेश्चन मार्क है, राइट. कोई बात नहीं, जो जो आपका प्रॉब्लम है दैट यू कैन राइट. इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन राइट इट आउट. ओके, अमनदीप सिंह सेज 1 2 3 4 5 सारा ही प्रॉब्लम है सर. स्पेसिफिकली क्या होता है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है. दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा. अरे भाई, एक इंसान के शरीर में हजारों प्रॉब्लम रहती हैं, तो सभी का दवाई एक साथ शुरू नहीं करते. पहले ये समझो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई वन बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी. ओके ओके, लेट्स सी इट. ये तीसरी क्लास में और चौथी क्लास में हम एक्यूरेसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे. तीसरी में मैं थोड़ा रीडिंग टाइम की बात करूंगा, कैसे आप स्किपिंग कर सकते हैं, स्किमिंग कर सकते हैं, फास्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं. आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाए, हाउ वी कैन मेक आर स्ट्रेटजी. जो लोग लेट आए हैं भैया, टाइम पे आ जाए करो. देखो यार, 12 बजे क्लास होती है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आई लाइक पीपल हु कम ऑन टाइम. एंड और इस वीडियो के एंड तक चलते चलते आपके पास ऐसा एक टूल मिल जाएगा विद विच यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. और ज़रूर बताइएगा मेरे को अपने कमेंट्स में लिख के अगर आप क्या कहते हैं वो कॉन्फिडेंस आपको आया या नहीं इस वीडियो को देखने के बाद, और आपका प्रिपरेशन शुरू हुआ या नहीं. और उसके बाद में एक दो महीने बाद यू कैन अगेन कमेंट एंड टेल मी राइट सर, ये मेरे को ये बेनिफिट हुआ और ये बेनिफिट नहीं हुआ. हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन आया हमारा विप्सा की तरफ से कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते. ओके, वेरी गुड, इसको भी मैं आंसर करूँगा, राइट. सो दैट इज़ मोर प्रॉब्लम रिलेटेड विद रीडिंग, नॉट एग्जैक्टली विद हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर, उसके इलाज हैं. तो सबसे पहले जितनी ये प्रॉब्लम थी इनको छोटा कर देते हैं, है ना. लेट अस गो फॉर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. लेट अस विद मी चैंट ए बी सी डी ई, राइट. आप सबने 1 2 3 4 5 लिखा. नाउ ये सब बताऊंगा, त्रिपुरा चावला जी कैसे करना चाहिए, कितने आरसी करने चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए. पहले ये पांच फंडे समझ लो मेरे, ए बी सी डी ई. बहुत सिंपल है, ए बी सी डी ई, राइट. पहला ए क्या है, एस्पायर. एस्पायर का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले कि आप देखो आप चाहते क्या हैं, मुद्दा क्या है, मिशन क्या है, क्यों कर रहे हैं भाई, आप करना क्या चाहते हैं. 70 नंबर चाहते हैं आरसी में, 102 में से 102 नंबर चाहते हैं. व्हाट यू रियली यू वांट, राइट, यू शुड बी नोइंग. श्री श्री शाहरुख खान जी हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है. ये वाला थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि कितने परसेंटाइल पे क्या स्कोर आएगा. किसी भी आपको बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है उसके लिए आपका 90% कट ऑफ होता है, ठीक है. थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 56 पे जो ये मैंने आपका बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, तो ये 56 पे आपका 95% आ जाएगा. और बहुत सारे लोग जिनका वर्बल डूबा हुआ है, राइट, वो लोग ये कोशिश करेंगे कि सर 56 आ गया तो बहुत है यार,
राइट ठीक है। तो गाइज 56 अगर मैं बात करता हूँ, मैं हाफ की बात करता हूँ, मैं 52 की बात करता हूँ, राइट 51 की बात करता हूँ, तो इट मीन्स 17 क्वेश्चंस, राइट 17 क्वेश्चन, ये अच्छा है, 56 उससे भी अच्छा है, 73 उससे भी अच्छा है, बट फॉर एनी बडी एवरी बडी हुज वर्बल राइट नाउ इज वीक, हाँ ठीक है। देखो भाई, जो बंदा अभी स्टेट भी नहीं खेला है, जो बंदा अभी डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला है, जो बंदा अभी अपने वो नहीं खेला, उसको सीधा बोलोगे भाई तू ओलंपिक का चैंपियन बन जाएगा तो यार उसके साथ धोखा करना है, ठीक है ना। हो सकता है कि बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकता, बट उसको स्टेजेस के थ्रू चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो मंजिल, पहली जो स्टेज होगी वो ये होगी कि भाई हम जो मोहल्ला क्रिकेट है उसमें अपना नाम बनाएं, ठीक है। मोहल्ला क्रिकेट में नाम बन गया तो भैया टाउन क्रिकेट में नाम बनेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट, तो सबसे पहला जो मेरे, मैं मानता हूँ कि आपका जो फर्स्ट बेंचमार्क होना चाहिए वो 51 होना चाहिए। 51 से आप ये बेंचमार्क बड़े आराम से क्रॉस कर लेंगे, और 90 आईएम एबीसी का भी जो कट ऑफ है वो 90 से ऊपर नहीं होता है, राइट। तो 51 मार्क्स मतलब आधा आरसी करना है, जितने 34 क्वेश्चन दिए आधे भी कर दिए, आपका काम खत्म हो गया। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट टारगेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अस इज टू एस्पायर टू क्रॉस दिस स्टेज। अगर ये क्रॉस हो जाएगी फिर उसके बाद सेकंड स्टेज क्रॉस करेंगे। अब दूसरा क्या है भाई, बिलीव, अपने आप में बिलीव करो कि आप ये कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या आपका बेस है, डजंट मैटर, अगर आप ये ड्रीम कर सकते हैं यू कैन डू इट। अपने आप में थोड़ा सा विश्वास रखना होगा, अगर खुद में विश्वास नहीं रखोगे तो लोग कहाँ विश्वास करेंगे भैया आप में। तो आप खुद में विश्वास रखिए, यू कैन वेरी वेल मेक इट हैपन, यू कैन डू इट। चलिए जी, अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैलकुलेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेयर वी आर। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से जो जो भी आपको पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे वो मेरे से पूछ सकते हैं, बट मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपका प्रेजेंट लेवल कहाँ पे है, राइट। तो सबसे पहला एवेल्युएशन होगा भैया करंट स्पीड का। स्पीड कैसे करेंगे, एक पेज लीजिए कोई भी एक, नो जिसमें 700 800 900 वर्ड्स हों, उसको आप रीड करके अपना वर्ड पर मिनट का स्पीड निकाल लीजिए। तो उसमें यू कैन गिव अ पॉइंट आउट ऑफ 10, राइट। हालांकि बहुत सारी किताब है जो बताती है कैसे पढ़ाना है, अभी वो नहीं जाना है, अभी ये देखना है कि मेरा प्रेजेंट स्पीड क्या है। आप अपने आप को खुद इवेल्युएट कीजिए, दिस इज़ ए सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, कोई टेस्ट वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, टेस्ट एंड में देना वो मैं बताऊँगा। हाँ, अगर आप कोई इंटरनेट पे कोई आपको टेस्ट मिलता है टू जज योर स्पीड, यू कैन सी ऑन दैट, तो उस स्पीड में आप अपने आप को 10 में से पॉइंट दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका वर्ड पर मिनट नो 300-400 प्लस है तो भाई आप 10 में से 10 पॉइंट दे सकते हैं। नॉर्मल 150-200 रहता है तो 6-7 पॉइंट्स दे सकते हैं, देख लीजिए आपका वर्ड पर मिनट कितना है। तो और वो भी समझ के, ऐसे तो कुछ भी पूरा ही पढ़ देगा, ठीक है। और उसमें देखो कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिप्स आप लिपसिंग तो नहीं करते हैं, राइट, साथ साथ में मन में तो नहीं बोल रहे हैं, जो बेसिक बेसिक है ये, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं इसको और डिटेल में खोलूंगा, बट अभी के लिए आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि यार आउट ऑफ 10 मेरा रीडिंग स्पीड कैसा है, राइट। बहुत ज़्यादा अपने साथ हार्श मत हुई, बहुत दयालु मत हुई कि 9 तो दे ही देते हैं जी, रीडिंग हो नहीं रही है, नंबर 9 दे दो, है ना, ये जनरल सा एवेल्युएशन। दूसरा हो गया कि आपका वोकेबलरी कैसा है, राइट, रूट्स आते हैं, यूजेज आता है, आपको पता चल जाता है ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये क्या है, या आप ऊपर से ही देखते रहते हैं, राइट। तो उसमें भी आपको खुद को एवेल्युएट करना है, राइट। आई कैन जस्ट सुजेस्ट यू नो 5-7-9 एज द स्केल, 5 यू कैन गिव इफ यू आर पुअर, राइट, यू नो मे बी यू कैन गिव 3 इफ यू आर वेरी 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 पुअर, एंड अदरवाइज 5 फॉर पुअर एंड 7 फॉर ओके गुड, यू नो नॉट एक्सपर्ट बट गुड, एंड 9 यू कैन गिव इफ यू आर वेरी कंसिडर योर सेल्फ टू बी वेरी गुड एट यू नो वोकैब। एंड देन कम्स इज द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, पढ़ने के बाद आपको समझ आता है नहीं आता है, आपने आरसी किया होगा, एक लास्ट मैंने दिया था उसके बेस पे अगर आरसी किया था, रिग्रेशन क्या है भाई बताता हूँ, ठीक है। रिग्रेशन होता है वर्ड्स पर मिनट निकालोगे ज़्यादा बेटर रहेगा आशीष कौंडल, जो बार 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 आप आगे पीछे चलते रहते, एक पढ़ लिया फिर पीछे चले गए, फिर आगे चले गए फिर पीछे चले गए, राइट, समझ नहीं आ रहा होता तो आप आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं शटल की तरह, राइट। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या है, आप टोन पकड़ पाते हैं, ऑथर का आर्ग्यूमेंट पकड़ पाते हैं, ऑथर को रिव्यू कर पाते हैं, मेन आइडिया कर पाते हैं, अगेन आउट ऑफ 10 यू कैन गिव मार्क्स, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आप देखो कि यार दुनिया में अगर 10 डोमेन है, मैं मोटा मोटा बताता हूँ कौन कौन सी डोमेन है, आपका फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, साइंस है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इनमें से कितना एक आपका फेमिलैरिटी है कि साहब मेरे को पता है सब क्या क्या हो रहा है, राइट, मेरा करंट बहुत स्ट्रांग है, मेरा आई नो इट अबाउट, यू नो, रूमी के बारे में भी पता है मेरे को इंडियन पोएट के बारे में भी पता है, मेरे को पता है जिडा कृष्णमूर्ति क्या कहता है, एंड आई नो कि भाई अकबर का क्या चक्कर हुआ था, राइट, कैसे कैसे उसने रिलीजन में जजिया माफ किया। सो दिस इज मोर ऑर लेस अंडरस्टैंडिंग द बेस कॉन्टेक्स्ट, कैसा आप समझ पाते हैं, राइट। सो वो आ गया आपका, वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंशु गौतम, वो आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। और फिर एक कैट के 10 क्वेश्चंस पकड़ लीजिए, 2 आरसी पकड़ लीजिए, 5-5 क्वेश्चन वाले, 20 मिनट का टाइम देख लीजिए अपने आप को, राइट, और देखिए उसमें से कितने सही होते हैं आपके, राइट। ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट अभी मैं सीटी पे भी डालूंगा, क्लास टेस्ट, उसमें एक ही आरसीयू का, वो भी दे सकते, कोई भी एक कैट के प्रीवियस ईयर का टेस्ट दे लीजिए, उस टेस्ट में से आपको अपने आप को देखना है कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। ये पांचों को ऐड करके आपका आउट ऑफ 50 स्कोर आ जाएगा, यू विल बी क्लासिफाइड योरसेल्फ, यू कैन क्लासिफाई योरसेल्फ इनटू एनी वन ऑफ द 4 कैटेगरीज। अगर 45 प्लस है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी 35 प्लस, सी कैटेगरी 25, डी प्लस। अगर कोई भाई मेरे जैसा भाई है जो कहता है कि सर मेरे तो 5 ही बड़ी मुश्किल से बने हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए ई कैटेगरी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात क्या है, पहले 2 चीज़ें कि आप चाहे ए कैटेगरी में हैं, बी में हैं, सी में हैं, डी में हैं, पहला टारगेट आपका होगा कि आप जो हमारा 90% का टारगेट है उसको क्रॉस करें। कैसे हम 17 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, उसको हमने प्लान आउट करना है, ठीक है। ये हमारा करंट एवेल्युएशन हो गया कि मैं कल कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। सी आई टेल यू गाइस, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है हम उसको कम समय देते हैं, ठीक है, जो हमें आता होता है उसको और सर, बहुत सारे लोग हैं जिनका क्वांट अच्छा है वो सारा दिन क्वांट ही करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका वर्बल है वो रीडिंग ही करते रहते हैं। अरे भाई उल्टा है, प्रिपरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। बहुत सारे लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना तैयारी करना समझ लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना तैयारी करना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तैयारी करना तब है जब अपने वीक एरिया को पकड़ के आप उस पर काम करना शुरू करोगे, ठीक है। तो आप देखो, अगर समझो आज आप सी पे हैं तो भाई आपको 2 स्टेप्स क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचना है। क्या क्या करना होगा मैं अभी बताता हूँ। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू योर इवेल्युएशन। घर जाके करना, करते नहीं हैं लोग, सुनते हैं लोग, फर्क समझो भैया, सुनने में और करने में अंतर है, सुनने में और करने में अंतर है, राइट। लोग सुनते हैं कि सर ने बता दिया, भैया अगर ये इवेल्युएशन करके देखेंगे कितने लोग इसको रिप्लाई करते हैं कि सर दिस इज माई स्कोर, ये मेरा स्कोर है, और राइट उस स्कोर के आगे क्या क्या करना है बताते हैं। सबसे पहले ये तो कर लिया भैया हमने एनालिसिस, किसका, खुद का, मैं कहाँ पे स्टैंड करूँ। अब कैट को देख लेते हैं, कैट कहाँ स्टैंड करता है। 24 क्वेश्चन आए हमारे, राइट, 24 क्वेश्चंस जो हमारे कैट में आते हैं, 34 में से आरसी के 24 क्वेश्चन आते हैं। उन 24 क्वेश्चन में मैंने ये 2018 के आरसी का ब्रेकअप निकाला कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल उसने उठा के डाला। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल आया, बट क्या सोर्स लिया उसने, द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट में से एक आर्टिकल आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, फिर फोर्ब्स मैगजीन में से आर्टिकल आया एजुकेशन और सर्विस प्रॉब्लम्स के ऊपर, एंड देन ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन बिहेवियर पे एऑन पे आर्टिकल आया, कंपनी की इफेक्टिवनेस के ऊपर यू नो अगेन एऑन पे आर्टिकल आया, स्मिथसोनियस ये ऑनलाइन सोर्स है इस पे, तो एवोल्यूशन टाइप जो है उस पे आर्टिकल आया। तो अब ये जो 24 क्वेश्चन थे, अगर मेरे को इन सोर्सेज या इसके जैसे सोर्सेज, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, पिछले साल 2 आर्टिकल सीधा सीधा न्यूयॉर्क टाइम में से आए थे, राइट, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी है, ऐसे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, अगर मैं उनसे नहीं पढ़ रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कि भैया आप कैट में जाएंगे और उधर एकदम से आपको चमक आ जाएगा इसका राइटिंग स्टाइल क्या है। द इकोनॉमिस्ट अलग तरीके से लिखता है, मैं हाई लेवल पे नहीं जाता, मैं बेस लेवल पे आ जाता हूँ। अगर आप भैया हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हिंदू किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करता है, द हिंदू, एंड हाउ योर टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट द थिंग्स। सो भाई पहली चीज़ ये होगी कि अलग अलग जॉनर्स, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग हो गया,
राइट, एक हमारा सोशल प्रॉब्लम सर्विस प्रॉब्लम अलग आ गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ह्यूमन साइकोलॉजी पे अलग आ गया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस पे जनरल टॉक अलग आ गया, और हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो हमारा ह्यूमन हिस्ट्री है, उस पर एक आ गया, ठीक है। तो ये अलग 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 मेरे जॉनर्स हो गए, अलग 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 मेरी डोमेन्स होगी, जिसके बारे में अगर मेरे को पता नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। या कैफ सांदी, इट इज 200 आवर्स ऑफ कोर्स विच विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट अ वेरी डिसेंट स्कोर इन योर कैट, राइट। इफ स्टिल यू वॉन्ट फर्दर, राइट, ये 200 घंटे का कोर्स है, इसके अलावा मेरे 400 और घंटे, मतलब टोटल 600 आवर्स का कोर्स है, जिसमें ये वाला तो रहता ही रहता है, इसके अलावा भी 400 घंटे लगते हैं, उसमें मैं सिर्फ 100 ही बच्चे लेता हूँ, ठीक है। उसमें आप आना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दैट, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। वो अभी वो अभी उसका कुछ ऑन पेपर नहीं है, अभी ये कोर्स की बात करते हैं, राइट। तो जो आपका एग्जाम है, कोई भी आरसी है, उसमें आर्स, कोई भी कैट लगा लीजिए, जैट लगा लीजिए, स्नैप लगा लीजिए, आरसी 25% तो रखता ही रखता है वेटेज, राइट। अब देखो पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, पूरा ज्योमेट्री मेंसुरेशन कंबाइंड करके आपको कम से कम 20 क्लास उसमें लगाने के बाद फिर आप कहीं किसी लेवल पे पहुंचते हैं, क्या क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन, इधर 25 क्वेश्चन आना है, क्योंकि मैं इसको क्लासीफाई नहीं कर सकता लाइक क्वांट, क्वांट में 30 टॉपिक्स हैं यार, आई कैन क्लासीफाई, सो वी कैन प्रिपेयर एंड यू कैन डिफरेंशिएट ऑल्सो। सर मेरा अल्जबरा हो गया, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, अल्जबरा में सर मेरा फंक्शन देन ग्राफ रहता है, बट यहाँ पे आप नहीं कहते कि सर मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई इतनी टेंशन लेना ही नहीं चाहता कि किसी का आरसी इंप्रूव किया जाए। भैया आरसी इंप्रूव करना 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है। अच्छा ये बताओ कौन लोग हैं जिनका आरसी बहुत अच्छा है, हु आर द पीपल हु हैव वेरी गुड आरसी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है भाई, आप पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, चलते हैं आगे, राइट। तो पहला चीज क्या लिखा भाई हमने, कि अपना एबीसी हो गया ना, ए मतलब एस्पायर, बी मतलब बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, सी आपका करंट वैल्यूएशन, डी ये भी करंट वैल्यूएशन किसका, एग्जाम का करंट वैल्यूएशन, राइट। फिर हो गया ये प्लान, ये थोड़ा छुप गया है, आई टेल यू व्हाट ऑल इट इज। सबसे पहले क्या है भाई, प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, ठीक है। 600 आरसीज बिफोर कैट यू आर थ्रू, 600 आरसी आपने कैट से पहले कर दिया तो एकदम से सही हो जाएगा, बट कोई भी आरसी जस्ट पढ़ने के लिए नहीं करना, पहले पढ़ना, फिर क्वेश्चन करना, उसके बाद टाइम बाउंड करना, उसके बाद आप आराम से बैठ के उसको खोलो, डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ। लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट दिया, खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आरसी लो, पढ़ो, उसके बाद आधा घंटा लगाओ, डिस्कस करो, अगर समझ नहीं आया अपने दोस्त को बोलो कि यार ये आर्टिकल मेरे को समझा दे भाई, यार समझ नहीं आया, कहना क्या चाहता है, मेरे को तो बी लग रहा था, आंसर सी आ गया, क्यों आया भाई ये, वो चीज समझनी है, ठीक है। आप 40 एक मॉक देंगे, कैट नॉन कैट सब मिला के, और हर में 5 आरसी तो आते ही आते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई 200 आरसी तो आपके यहां से हो जाएंगे, जो आप कैट से पहले दे देंगे, ठीक है। मोटा मोटी मैं जो क्लासेस लगाऊंगा, मैं 40 क्लासेस लगाने वाला हूं, और हर क्लास में 6 के साथ 6 से मतलब हमारे टेस्ट में असाइनमेंट में हम 5-6 आरसी कवर कर ही लेंगे, तो 240 आरसी यहां कवर हो जाएंगे। इसके अलावा 160 आरसीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेली एक आरसी कीजिए, आरसी अ डे, ज़्यादा नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए, 2-2 आरसी इकट्ठे कर लीजिए, बट नथिंग लाइक इट इफ़ यू कैन डू 1 रैंडम आरसी अ डे, ठीक है, एक आरसी अगर आप एक दिन में कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, राइट। तो आरसी अ डे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, टोटल 160-600 आरसी हो गए, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं यार, अगर ये सीरियसली कर, प्रॉब्लम क्या करने को तो लोग 1000 कर लेते हैं पर उसका कोई आउटपुट नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि आरसी करने के बाद उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और डिस्कस करना पढ़ना नहीं है, राइट। किसी भी एक चीज़ को जितने बार पढ़ोगे उतना नया कुछ पता लगेगा, आपको क्या समझना है कि पहली बार पढ़ के ही सबसे ज़्यादा क्रैस्प होना शुरू हो जाए, वो कब होगा, जब आप एनालाइज करेंगे कि यार ये मैंने पढ़ा था मेरे को इतना ही समझ आया, सेकेंड बार पढ़ा तो ये कहानी भी समझ में आ गई, थर्ड बार पढ़ा तो ये कहानी भी समझ में आ गई, और दूसरे से डिस्कस करो भाई तुम्हें ये कैसे समझ में आ गया, जितना आप अपने से दोस्त के साथ डिस्कस करेंगे उतना आपको आरसी फायदा, खुद समझो, लोगों को समझाओ, समझाने से भी बहुत फायदा मिलता है,
अपने आप को समझ में आता है अच्छा ऑथर तो ये कहना है, क्योंकि आप ऑथर के शू में आ जाते हैं। तो ये पहला काम हो गया कि ये हमें करना है, ये डिसाइड कर लो कि ये 600 आरसी मेरे को लगाना ही लगाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है विनीत कुमार जी, 12th तक हिंदी मीडियम में, सो व्हाट, भाषा का कोई इशू नहीं है, भाषा पढ़ेंगे तो ही आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग में क्या करना है, 12 बुक्स और नॉवल्स कम खत्म करनी है आपने, 4 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। 3 बुक्स और नॉवल्स पर मंथ अगर आप कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, ठीक है। अलग अलग लेवल की बताऊंगा, चिंता मत करो, जल्दी मत करो, राइट। और आर्टिकल अ डे, एक दिन में एक आर्टिकल, कहाँ कहाँ से पढ़ना है वो भी बताऊंगा, और 3 आर्टिकल पर वीक, ये मिनिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आर्टिकल ही पढ़ते रहने हैं, बट अच्छा ढंग का मीनिंगफुल आर्टिकल होना चाहिए और उसको ढंग से करो, राइट, पढ़ो। और उसके बाद हो सके तो भैया उसको डिस्कस कर लो, कुछ नहीं लगता है, 15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम एक आर्टिकल को पढ़ने में, राइट। हाँ, अगर संकल्प एओन से 2 आर्टिकल पढ़ रहे हो तो बहुत है, मैं बताता हूँ कैसे आएगा, एक्यूरेसी कैसे आएगा, राइट। तो 3 महीने मई जून जुलाई फेज 1 बना लीजिए, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर फेज 2 बना लीजिए, ठीक है। अब देखो आप क्या ये आप कंटिन्यूटी कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मंथ वाइज मंथ अपना टारगेट लेके चलना है, हर मंथ क्या करना है, 3 करने हैं। जैसे जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, जिनका स्कोर कम है, जिन्होंने कभी जीवन में कभी नॉवल नाम की चीज़ से पाला ही नहीं पढ़ा, राइट, कभी पढ़े ही नहीं, देखो आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्वेंट एडुकेटेड हैं, शायद उनके लिए ये सेशन मायने नहीं रखता है, राइट। क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है रीडिंग, तो आई डोंट थिंक दैट यू नीड मच गाइडेंस ऑन दैट। बट फिर भी आप देखिए कि अगर आप बिल्कुल बेस में हैं, तो 1 महीने में आप रविंदर सिंह, प्रीति शनॉय और ये अपना चेतन भक्त भैया, इनके 3 या 4, ठीक है, मैक्सिमम 5 नॉवल्स पढ़ लीजिए। अगर पढ़े हुए हैं बहुत अच्छा है, तो ये मंथ स्किप कर सकते हैं, सीधा नेक्स्ट वाले मंथ से शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ इनको पढ़िए। इनमें करना क्या क्या है साथ में, देखिए चीज़ें नोट कीजिए, 5 चीज़ें नोट कीजिए। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, कितना भी मोटा कितना भी पतला नॉवल क्यों ना हो, मैक्सिमम 10 डेज, क्योंकि उसके बाद आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसके साथ में ये भी मैं कह रहा हूँ कि पूरी रात में भी मत खत्म करो, ठीक है, अगर आपको लगता है करना है तो कर सकते हो, ठीक है, बट डोंट जस्ट फिनिश इन वन नाइट, डोंट स्प्रेड इट ओवर 10 डेज। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही मोटा है, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा गंदा है, तो 15 दिन लगा, बट ये वाले तो 1-1 हफ्ते का काम है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 5 से ज़्यादा नहीं पढ़ने, अलग अलग पढ़ना है, 2-3 चेतन भक्त पढ़ लिया, 1-2 रविंद्र, इसका बड़ा मसाले वाला है तो बढ़िया मज़ा आएगा, कैन लव हैपन ट्वाइस, आई टू हैव ए गर्लफ्रेंड, मेरी भी गर्लफ्रेंड तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, बड़े मसाले वाले होते हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। थोड़ा सा अगर ये पढ़ा हुआ है तो डैन ब्राउन है ना, थोड़ा सा दूसरे जॉनर भी उठा सकते हैं, क्रिस्टिन एगेसी है, राइट, और भी उठा सकते हैं, बट ये वाला जो फिक्शन पढ़ना है, आई वुड रिकमेंड यू टू उन लोगों के लिए, खास करके जिन्होंने प्रॉब्लम आता है, जिन्होंने भाई कभी पढ़ा नहीं है, तो स्टार्ट विद दिस, 1 महीना ये करो और मेरे को बताओ कि सर ये हमारा डन हो गया। साथ साथ में आर्टिकल चलेंगे, आर्टिकल का क्या लेवल है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, वो भी उसी स्पीड से चलेंगे, बट ये आप टारगेट ले लो। तो पहला चीज़ क्या हो गया, 10 दिन से ज़्यादा नहीं, राइट, और 1 दिन में ख़त्म नहीं करना। दूसरा चीज़, जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, राइट, अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, मीनिंग लिख सकते हैं, नथिंग लाइक इट, एक कॉपी ले लीजिए, साथ साथ में छोटे छोटे मीनिंग लिखते चलिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम, बट अगर आपको लगता है कि आपका वोकैब बहुत ही निहायती बेकार है तो भैया वोकैब लिखना भी ज़रूरी, अदरवाइज अंडरलाइन तो कीजिए ही कीजिए, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज़, हर रोज़ जब आप अपना रीडिंग ख़त्म करते हैं उसके बाद जस्ट राइट 1 लाइन विद द पेंसिल कि आज की पूरी रीडिंग में कहानी क्या समझ में आई, राइट। एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट कम से कम 1 लाइन जरूर लिखें कि आज की पूरी कहानी का निचोड़ क्या था, ठीक है, क्लियर हो गया, ये 3 हो गए, 1, 2, 3। चौथा चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बाय चांस कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसको अपने जीवन के डेली वाले किसी एक्टिविटी के साथ अटैच कर, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है उन लोगों का जिनका कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रहा है, ठीक है, अपने साथ थोड़ा कमिटमेंट करना है। देखो भाई, 4 चीज़ें हम रोज करते हैं, सांस लेना हमेशा, खाना खाना, राइट, हमेशा, सोना हमेशा,
और पॉटी जाना, वो भी हम हर रोज डेली 2-3 दिन के बाद जा ही आते हैं। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इनमें से किसी भी एक चीज़ के साथ इसको अटैच कर लीजिए, खाना खाने के साथ, सांस लेने के साथ, कि भाई मैं लंच इसके इसको ख़त्म करने के बाद ही करूँगा, राइट। डिनर मैं इसको ख़त्म करने के बाद ही करूँगा, राइट। सोऊंगा इसके बाद ही, कुछ भी हो जाए अगर ये रुक छूटेगा तो खाना भी छूटेगा रात का, एक दिन भूखे रहने से मर नहीं जाओगे, कुछ नहीं होता है बंदे को, राइट। ये आपको प्रण करना है कि आज का जो, जैसे आपने देखा अभी 200 पेज का किताब है, थोड़ा सा बोनस ले लो कि 25 पेज मैंने डेली पढ़ने हैं, तो वो डेली ही पढ़ने हैं, अदरवाइज नहीं होगा। पीडीएफ मिल जाती है, नेट पे मिल जाती है आराम से यार, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा वीक और लास्ट चीज़ है ना, ये मैंने पहला बताया कि आपको भाई 10 दिन में स्प्रेड करना है, दूसरा बताया कि मीनिंग लिखनी है, तीसरा बताया समरी लिखनी है, चौथा बताया, क्या बताया चौथा मैंने आपको, कि आपको इसको अपनी डेली लाइफ के साथ अटैच कर लेना है ताकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। पांचवा चीज, किताब पढ़ने का पर्पस सिर्फ आरसी करना नहीं, इसमें से जो ज्ञान मिलेगा मैं गारंटी देता हूं आपको पूरे जीवन भर काम आएगा, राइट। क्या कहते हैं कि भाई जो किताब पढ़ सकते हैं, अगर वो किताब नहीं पढ़ते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं है किन से जो किताब नहीं पढ़ सकते, राइट। टुडेज रीडर मेक्स टुमारोज लीडर, इसका कोई बेनिफिट का कोई लिमिट ही नहीं है। आप शहीद भगत सिंह की बात कीजिए, 23 साल की उम्र में 250 किताब पढ़ देता है, राइट। महात्मा गांधी की बात कीजिए, लेनिन की बात कीजिए, राइट। आप स्वामी विवेकानंद की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कीजिए, एनी टेक एनी डैम सक्सेसफुल पर्सन, एनी बिग शॉट, आप उनके जाके सक्सेस मंत्रा में पढ़ेंगे, दे विल रिकमेंड यू टू रीड बुक्स, एनीबडी, कभी अभी नहीं तो कभी बाद में, राइट। सो गुड बुक्स आर रियली 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 बेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं अपना बताता हूँ यार, जब हमें ये पता चला, देखो मैंने इंजीनियरिंग में कोई किताब नहीं पढ़ा था, इंजीनियरिंग के कैट वाला जब हमने तैयारी किया तो हमें रिकमेंड किया गया किताब पढ़ो, तो हमने बोला अरे यार ये भी कोई काम है, बट उन्होंने बोला एक हफ्ते में एक ख़त्म करके आनी है किताब, टारगेट दिया था हमें। तो व्हाट आई डिड इज लाइब्रेरी गए, जो सबसे छोटी पतली किताब होती है मोटे फॉन्ट वाली वो लेके कर दी, बट इट गिव्स कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने एक किताब, और दैट वाज रेस्ट इज हिस्ट्री। आई नाउ ऑलमोस्ट रीड अ बुक अ वीक, राइट। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। पहला महीना क्लियर हो गया भाई, दूसरा ये लाइफ के लिए पढ़ना है, आरसी के लिए नहीं पढ़ना, आरसी भी बढ़िया हो जाएगा, राइट, बट डू रीड इट फॉर योर लाइफ, राइट। हाँ जब टाइम मिलेगा तो अपना वर्नैकुलर लैंग्वेज वाले भी पढ़ना भैया, अपने देश के अपने प्रदेश के नॉवल पढ़ना, बहुत क्लासिकल चीज़ मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए, राइट। अंग्रेजी में ही सब कुछ नहीं है, आपका पंजाबी हिंदी बंगला मराठी उसका भी लिटरेचर पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, तो आप समझ पाएंगे ना कि यार जैसे पंजाब की मैं बात करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमने वो नहीं किया, राइट, कि भाई अपने स्कूल टाइम पे बाबा फरीद को नहीं पढ़ा, बट अभी फरीद पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि यार उसका फिलॉसफी क्या, बाबा नानक का फिलॉसफी क्या है, राइट। सो दैट यू शुड रीड फॉर योर लाइफ, फॉर सोल। सेकेंड वीक क्या करना है, सेकेंड वीक में क्या पढ़ेंगे बेटा, राइट। सेकेंड वीक में हम करेंगे थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल, हाँ आप रस्किन बॉन्ड का फ्लेवर देख सकते हैं, विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकते हैं, वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा है, राइट, ये बुकर प्राइज यू नो विनर है, और ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा, ये फिक्शन ही है बट ये कि रिदम में आने के लिए अच्छा है, बट अगर आप एक पढ़ सकते हैं तो बढ़िया है, तीनों की तीनों पढ़ सकते हैं बढ़िया है, बट एक महीने में ये तीन खत्म करनी है। रस्किन बॉन्ड भी तो बहुत छोटी सी है, कोई उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी किताब रहती है। विंग्स ऑफ फायर अंदर में आग लगा देगा आपको, बिल्कुल अच्छा। मंथ थ्री थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएंगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को धीरे धीरे पढ़ना, ये मैंने इसलिए छोटा करके लिखा है, इसको एक वीक में नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। आज एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर 15 दिन बाद, मतलब 3-4 दिन बाद एक चैप्टर पढ़ लिया, क्योंकि आपको बार बार ये लगेगा कि यार ये किताब बोर कर रही है, बट जब आप पूरी पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका थिंकिंग बहुत वाइड हो गया है। और ये जो तीन किताबें हैं, द ग्रेट इंडियन नॉवल बाय शशि थरूर, इसका वोकैब बहुत काम आएगा आपको, मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी,
इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर, और अरुंधति रॉय कैसे एक डिफरेंट एंगल प्रेजेंट करती है चीज़ों को, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रीड इट। ये मंथ थ्री के हो गए, तीनों जिसने पढ़े हुए हैं भाई बहुत अच्छा है इसमें, और इसके सिमिलर जॉनर्स पढ़ सकते हैं आप, राइट। मंथ फोर, यहाँ पे बात बनेगी, जॉर्ज ऑरवेल से स्टार्ट कीजिए, राइट। देखो रीडिंग स्पीड को लेके टेंशन मत लो, जब आप पढ़ लोगे ना तो नेचुरली बन जाएगा, ठीक है। किसी पियानो बजाने वाले को देख लो, वो थोड़ी ना देखता है कि यार यहाँ पे सी है यहाँ पे, वो तो बस मस्ती में बजाता रहता है। तो अगर आप मस्ती में ये पढ़ लिया ना इतना, तो मस्ती में चलेगा सारा कुछ, राइट। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई आपको सोचना भी पड़ेगा कि मेरा ये रीडिंग स्पीड ये है ये है ये है। देखो ना सिंपल फंड बताता हूँ, जब लोग स्कूटर सीखते हैं ना, मोटरसाइकिल सीखते हैं, तो देखते हैं इधर रेस जाएगा, इधर ब्रेक है, क्लच है, नीचे ऐसे कार का गियर डालते हैं ना, ऐसा देखते हैं। बट जब सीख जाते हैं तो गाड़ी इधर चल रही है और देख इधर रहे होते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उसको चला रहा है, अपने आप चलती रहती है वो, आर यू गेटिंग इट। और आप तो कहीं और ही देख रहे हैं पर गाड़ी फिर भी चल रही है। सेम आरसी में होता है कि कंसंट्रेशन अपने आप ही बन जाती है, आपको तो लगता है मजाक सा लगता है यार इतना सा पैरा है आरसी में, क्या है ठक खोल दो काम, राइट। तो ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मज़ा आ जाएगा आपको, राइट। अगर आप किल अ मॉकिंग बर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, जीवन के बहुत ही धांसू लेसन मिलेंगे। एनिमल फार्म बहुत बढ़िया स्टायर है, और उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल 1984, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को शुरू शुरू में, उसके बाद आपको मज़ा आएगा। और सेपियन से अच्छी किताब मैंने नो कैट के लोगों के लिए नहीं देखी है, इट गिव्स यू सच अ वाइड थिंकिंग, नथिंग लाइक इट, राइट। ये तो मस्ट रीड है भाई, ठीक है। ये पेज पे जो चारों किताबें, ये चारों की चारों मस्ट रीड है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, राइट। क्लियर हो गया भाई? हाँ आई नो, इसीलिए मैंने बोला ना धीरे धीरे पढ़ना, बार बार रुकेगा जाएगा, रुकेगा जाएगा, बट वही तो आपका काम है। और मैं आपको बता दूं, आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से डायरेक्टली आरसी आया हुआ है कैट में, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ये रैंडम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, मंथ फाइव, अगर आप ये चार कर पाए तो फिर भाई जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेकिंग है, आयन रैंड भी पढ़ सकते हैं, एडल्फ हिटलर का मे कैंप है, सिगमंड फ्रूड का सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट है, ये थोड़ा साइकोलॉजी के लिए अच्छा है, और द बुक ऑफ फिलोसफी इसका ई बुक भी अवेलेबल है। ये तीनों किताब आपने पढ़ना है, राइट। तो भैया समझ में आ गया, ऑल यू आर गुड, राइट। तो ये करने के बाद आप खुल जाएंगे, मतलब एकदम एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब आरसी आपके ऊपर आके बैठेगा, आप धज्जियां उड़ा देंगे, चित्रे उड़ा देंगे आरसी के, आरसी टिकेगा ही नहीं इतना। बस ये 12 किताब, ठीक है, ये छोटा वाला दिया वो मैंने बोनस दिया है भाई, किसी का ज्यादा अच्छा स्पीड है तो ये 12 को करना ही करना है। कब? अगले 4 महीने के, ठीक है, 15 है वैसे तो, 5 है, 15 है, ठीक है, 5 महीने हो गए। तो ये क्योंकि स्टार्टिंग वाला मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग वाला ये था ना, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, डोंट काउंट इट इन यूर राइट रीडिंग, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द बिगिनर्स, ठीक है, जिनका मान लीजिए कि भाई रीडिंग ही नहीं किया, तो ये स्टार्ट करने के लिए बढ़िया। एकदम से सीधा आप हार्पर ली पढ़ेंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे ना, अगर बिल्कुल भी जीवन में रीडिंग नहीं करना है तो ऐसे करो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ लीजिए, बस काम खत्म हो जाए, जॉर्ज ऑरवेल उठा लीजिए, ठीक है, 15 मिनट में आपका रीडिंग सदा के लिए, जीवन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या ये जो मैंने बेटा सिलेक्ट की हैं, ये कुछ सोच के की हैं, इसके बियॉन्ड अगर ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, आप मेरे को कॉल कीजिए, मेरे से साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेवल बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। इज इट क्लियर भाई सबको? क्लियर हो गया, ठीक है। मैं धीरे धीरे बताने में विश्वास रखता हूँ, फटाफट फाहा पढ़ने में हमारे को मज़ा नहीं आता है, ठीक है। किल मॉकिंग किल बर्ड आपको ना फील हो आएगी अंदर से कि भाई हाँ कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, ओके, अब आ गए हमारे आर्टिकल जो कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिस्ट है, वैसे तो जहाँ कहीं से आपको अच्छा आर्टिकल मिले पढ़ लेना है। अब अच्छे का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। बट अगर आप 1-1.5 महीना कंटिन्यूसली पढ़ लेंगे ना, एक आंख बन जाएगी कि कौन सा आर्टिकल कैसा है। और एक ही जॉनर नहीं पढ़ना है, फिक्शन ही बस पढ़ रहे, अलग 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 सोर्सेज से अलग 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 तरीके का, जैसे इकोनॉमिस्ट्स पे नेचर के बारे में पढ़ो, राइट।
ईयन पे बहुत आर्टिकल है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी है, न्यूयॉर्क, ये सारे पेड हैं, है ना। तो या तो ग्रुप में लेके खरीद सकते हो आप इसको, है ना, ग्रुप में, या एक एक आर्टिकल, दो दो आर्टिकल ये फ्री में देते हैं वीकली, मोर देन एनफ। हमें ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें पढ़ना, वैसे भी हमें एक ही नहीं पढ़ना है, डिसाइड कर लीजिए, मंडे को ये पढ़ूंगा, ट्यूसडे को ये पढ़ूंगा, वेडनेसडे को ये पढ़ूंगा, ठीक है। द नेचर है, वाशिंगटन पोस्ट है, गार्जियन है, टाइम है, फ्रंट लाइन है, हिंदू है, राइट। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा, आई ऑल्सो रिकमेंड जो हमारी मैगजीन्स आती हैं, राइट, वो एंड टू एंड पढ़िए, राइट, एक महीने में एक मैगजीन कम से कम, एंड टू एंड, शुरू से लेके एंड तक, बिना किसी रुकावट के, राइट। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि जो जो मेरे एनवायरनमेंट के रिलेटेड, इकोलॉजी के रिलेटेड करंट इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इनको लेके जो करंट में आर्टिकल आते रहते हैं, जो चलता रहता है, उस पर आर्टिकल पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। उस पर जैसे इंडिया चाइना, यू नो, अपना रिलेशनशिप्स पे है, या यूएस और चाइना के रिलेशनशिप पे है, यूएस रशिया कोल्ड वॉर पे, तो इनके रिलेटेड जो नॉर्मल जर्नल में आर्टिकल है वो पढ़ते रहिए, ठीक है। तो उससे आपका एक टेस्ट डिवेल्प हो जाएगा, फ्लेवर डिवेल्प हो जाएगा। सो वट यू हैव टू डू गाइज इज प्लीज डू रीड फ्रॉम डिफरेंट 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 जॉनर्स ऑन ए रेगुलर। तो इसके लिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ आर्टिकल अ डे, और डे फिक्स कर लीजिए, अपना अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मंडे को ये, ट्यूजडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, और 30 मिनट्स, दैट्स इट। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक पढ़ेंगे 1 घंटा, राइट, 1 आवर पर डे, और नोट करना है कि कितने पेजेस आप पढ़ पा रहे हैं, राइट, हाउ मेनी पेजेस यू आर एबल टू रीड, है ना, पेजेस पर आवर, PPH, पेजेस पर आर निकाल लीजिए। फॉन्ट छोटा है बड़ा है कोई टेंशन नहीं है, उसको चलने दो, राइट। एंड आई थिंक इट इज़ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन ए किंडल। अगर आप पेपर बेस पढ़ेंगे तो भी बढ़िया है, अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर लाइट लो करके पढ़ लीजिए, किंडल पे पढ़ लीजिए, जैसे भी आप इसको अरेंज कर सके, दैट यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर मैनेजर। वो आपको देखना है कि भाई आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, मेरे को ये नहीं देखना है, है ना, ये तो भाई आपका काम है कि आप इसको अरेंज कैसे करेंगे। बट बेटर टू रीड ऑन ए किंडल और द पेपर वर्जन। ज़्यादा स्क्रीन पे पढ़ने से आंखों पे दर्द आ जाता है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि सर हमें एग्ज़ाम, उसके लिए मॉक्स आर मोर देन एनफ। एक दो मॉक में सेटिंग हो जाएगी, वहाँ पे आपका स्पीड बन जाएगा, मतलब वो वाला पार्ट मॉक्स पे छोड़ दीजिए, वो प्रैक्टिस के भाई हमें स्क्रीन पे पेपर में पढ़ना होगा, सो दैट प्रैक्टिस यू लीव टू द मॉक्स। अभी के लिए क्या करना है कि प्रेफर करो कि आप पेपर से पढ़ें, और अगर पेपर से नहीं पढ़ पा रहे तो किंडल से पढ़ें, जिसमें स्ट्रेन ना पड़े आपको, ताकि लगातार आप पढ़ सकें, ठीक है जी। रीडर डाइजेस्ट भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, कहीं भी किसी सोर्स से। रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं डे इसीलिए डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या, ताकि क्या हो जाएगा कि आज ये दिन है भाई मेरा पढ़ने का, थोड़ा मन करेगा। अदरवाइज आप क्या सोचते रहते हैं, आज ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ, आप क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग तो बहुत कर लेते हैं, ब्राउजिंग तो यहाँ वहाँ वहाँ सब कर लिया, और फिर एंड पे जाके वहीं पहुँच गए, उसी साइट पे पहुँच गए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने का प्रॉब्लम ये है, पढ़ते 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 दिमाग में कुछ और ख्याल आ जाता है, फिर बंदा इनकॉग्निटो विंडो खोल के कहीं और ही चला जाता है। आई हैव सीन माई स्टूडेंट शेयरिंग विद मी ओवर द ईयर्स कि सर नो ये है, और ये वीडियो आई सपोज आप लोगों को हेल्प करेगा, और आप प्लीज़ डू शेयर इट विद दोज जो लगता है आपको कि भाई जिनको रियली वर्बल में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं ये ज़्यादा कंटेंट इसका हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, राइट। दिमाग है, बुद्धि है, समझ है, सब कुछ है, ज्ञान है, नाइस लोग हैं, पर थोड़ा अंग्रेजी अच्छा नहीं है भाई, तो क्या हो गया, गोली थोड़ी मारोगे उन लोगों को, राइट। और अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझाएंगे तो भाई अंग्रेजी समझ में कैसे आएगी, राइट। भाषा है, भाषा का कोई लेना देना नहीं है, ले मल्ला मराठी इतना ही, राइट। कोई भी भाषा 2 महीने में आप सीख सकते हैं, 2 मंथ्स मोर देन एनफ। आप अभी छोड़िए बंगाल जाइए, बंगाली आ जाइए, एकदम बढ़िया, यहाँ छोड़िए जर्मनी जाइए, जर्मन आ जाएगी, जिस भी देश में जैसा देश वैसा भेष। भाषा तो यार 2 साल का बच्चा सीख लेता है, 2 मंथ्स 2 साल का बच्चा भाषा को खोल के रख देता है, राइट। जब भी वो अच्छा बोलना शुरू करता है, उसको तो किसी लैंग्वेज स्कूल में नहीं भेजते, राइट। और भाषा को ठीक करने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग है, उस भाषा का लेन देन समझ में आना चाहिए और वो चमक जाती है, राइट। नेक्स्ट इज ये सारे आ गए, राइट। और आजकल जो नेचर है, सोशल इश्यूज हैं, उन पे आर्टिकल ज़्यादा पढ़ा करो,
ठीक है, और आप थोड़ा सा ग्रुप बना लो जिसमें आप शेयर करें कि ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, आलतू फालतू नहीं पढ़ना है, बट मेंटेन ए कॉन्टिन्यूटी ऑफ आर्टिकल अ डे, प्लस ये 20 से लेके 40 पेज तक स्पीड पहुंच जाती है लोगों की। शुरू में हो सकता है आपकी 10 पेजेज ही स्पीड हो पर आर, पर धीरे धीरे आप देखेंगे बड़े आराम से 30-40 अपने आप ही बढ़ेगी, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसको, राइट। यू नीड नॉट पुट एनी मीटर और एनी थिंग, इट विल नेचुरली इंक्रीज इट। जो आपका अच्छा एक डिसेंट लेवल है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम करते हैं हमारी क्लासेस पे कैसे आपको हेल्प करेंगी, कैसे हम ये करेंगे। ये जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले आरसी के लिए मैं आपको ये 4 फंडामेंटल क्लासेस कराऊंगा, जिसमें से एक क्लास हो चुकी है, ये आज वाली क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्लास में हम रीडिंग स्पीड की बात करेंगे और उसके बाद हम एक्यूरेसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ये 4 बेसिक क्लासेस हो गई, कहानी फंडामेंटल समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई। फिर हम बेटा जी करेंगे 8 क्लासेस, किसके ऊपर 8 क्लास होंगी आपकी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के ऊपर, ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाला आपको, राइट। क्या करेंगे उसमें, जैसे सपोज करो एक दिन फिलॉसफी उठा लिया आपने, तो फिर फिलॉसफी को खोल देंगे, राइट। आप फिलॉसफी के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लेना और मैं इधर से आपको मोटा 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 ज्ञान दे दूंगा। आप भी बता सकते हैं कि सर देखो भाई सोक्रेटिस ये कहता है, अरिस्टोटल ये कहता है, रेने डेस्क्रेट ये कहता है, राइट, और कैपिटलिज्म ये बन जाता है, सोशलिज्म ये बन जाता है, ठीक है, एनार्की ये है, मोनार्की ये है, यू नो डेमोक्रेसी ये है, रिपब्लिक ये होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे है और इंडिया में ऐसे है, सोशल इश्यूज ऐसे हैं, मायो ने ये किया था, सेपियन यहाँ से आए थे, ह्यूमन ब्रेन ऐसे बड़ा हुआ, राइट। ये हम 8 अलग 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 टॉपिक मैंने डिसाइड किए हैं, ठीक है, जिसमें एक साइको एनालिसिस है, जिसमें सिगमंड फ्रूड की बात करेंगे, और भी अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग लोगों की बात करेंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। तो ये 8 सेशन में आपका यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनको उसका पता भी नहीं है। फिलॉसफी की बात करते हैं, दे कैन नॉट इवन डिफाइन व्हाट फिलॉसफी इज, राइट। अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करता हूँ, आर्ट साइंस की बात करता हूँ, सोशोलॉजी की बात करता हूँ, तो जितने हमारे अलग अलग डोमेन्स हैं उन 8 डोमेन में 8 लेक्चर्स करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उन हर एक डोमेन में आई विल गिव यू 1 रीडिंग, वोकैबुलरी, मेन मेन जो उसमें यूज होती है उसके रिलेटेड, प्लस उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं जो उसकी रीडिंग है, सुजेस्टेड रीडिंग्स है, ये सब कुछ हम एक उसमें डोमेन का खत्म कर लेंगे। ये पहला लेवल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आरसीस की उस डोमेन से। फॉर एग्जाम्पल आज हमने कर लिया भैया, है ना, साइकोलॉजी से कर लिया, तो साइकोलॉजी पे एक मैं आपको 3 या 4 आरसीज डिस्कस कराऊंगा। फिर आपको वो 3 या 4 आरसीज क्या करने हैं, घर जाके अपनी ऐप के ऊपर टेस्ट देना है और उसको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल 2 डिफिकल्ट वाले आरसी करेंगे, उसी लेवल के, उसी जॉनर के। ये इससे हमारा सारा जो कैट प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, और फिर एंड में प्रीवियस ईयर में से पकड़ के मिक्स आरसीज हम प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके लिए, क्योंकि देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो कैट में कोई वकैब का आता नहीं है, बट फिर भी हम अपनी वकैब बिल्ड करने के 4 बेसिक सेशन लगाएंगे, 4 थोड़े से हाई लेवल वाले सेशन लगाएंगे, जिसमें हम थोड़ा खोल के आपको अंडरस्टैंड करा देंगे क्या होगा। ये एक सेशन मैं काफ़ी करा चुका हूँ, और सेंटेंस आउट करा चुके हैं, पैरा समरी हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, स्ट्रेंथ कंप्लीशन, सॉरी सेंटेंस कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट आर्गूमेंट, और पीजे ये थोड़ा बाकी है। इसके आई थिंक 8 सेशन हो चुके हैं, बाकी 8 सेशन और बाकी हैं। ये कर लीजिए, ये स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, इट इज़ लाइक स्टार्टर्स, शादी में जाते हैं, ये ऊपर वाला मेन कोर्स है, राइट। और ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका स्टार्टर्स की तरह काम करता है, ठीक है। स्टार्टिंग स्नैक्स है, ये आराम से खाइए, इसका खाने से लेना देना कुछ नहीं है, और कई लोगों का तो इसी से पेट भर जाता है, राइट, इसी से कहानी आ जाते हैं, बट फिर भी भैया दाल फुल्का तो खाना पड़ेगा ना, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, राइट। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ये प्लान क्लियर हो गया भाई सबको। ये 64 क्लास मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लगा लिया बेटा, ठीक है, डेफिनेटली 20-25% आप ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद भैया आपकी मेहनत है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, आप देखो अपनी तरफ से क्या करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे, क्या 4 चीज़ हो गई, ठीक है। पहला क्या था, एस्पायर, कि हमें अच्छा परसेंटेज चाहिए वर्बल के अंदर। दूसरा, बिलीव करो अपने अंदर कि अगर मैं मेहनत करूंगा मेरा परसेंटेज इंप्रूव होगा। सिंपल फंडा है कि यार अगर मैं
10 किताबें पढ़ के जा रहा हूँ और बिना 10 किताबें पढ़े जा रहा हूँ, 600 आरसी करके जा रहा हूँ और बिना 600 आरसी करे पेपर में एंटर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली 600 आरसी प्लस 12 नॉवल के बाद मैं बेटर पोजीशन में होऊंगा आरसी करने के एज कंपेयर टू उनको बिना करे। सोचते रहो, चिंता करते रहो, कुछ नहीं होना है, बस ये करना है 6 महीने, ठीक है बिलीव। तीसरा, हमने अपना लेवल इवेल्युएट करते रहना है, कैलकुलेट करते रहना है कि मैं कहाँ हूँ, पेपर कहाँ पे, गैप कहाँ पे है, राइट, गैप कहाँ पे है, ठीक है। और चौथा चीज, अपना डिसाइड करना है क्या करना है, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब पांचवा और आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एग्जीक्यूट करना। प्लान बनाना बेटा जी बहुत आसान होता है, नोइंग इज़ वेरी इजी, प्लानिंग इज डैम इजी, बट एग्जीक्यूशन इज व्हाट इट एक्चुअली चेक्स योर थिंग। ये बड़ा आसान है कि यूट्यूब पे कोर्स चलाएंगे, फ्री चलाएंगे, बट 200 घंटा पढ़ाना चैलेंज है, क्योंकि डूइंग एग्जीक्यूशन इज द थिंग, राइट। इट्स वेरी इजी टू से यू नो वी विल डू इट, वी विल प्रैक्टिस इट, वी विल प्लान इट, बट अपने आप को मनाना बड़ा मुश्किल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द रियल चैलेंज इज लास्ट ई, एग्जीक्यूट। पर जब ई हो गया फिर तो एफ फर फोड़ देंगे आप, एफ फर फोड़ देंगे, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये क्लियर हो गया, किसी को डाउट है इसमें, कोई समस्या, कोई शक, ठीक है जी। फिर पांच मंत्रास हैं, ये सबके लिए हैं, ये है ना, ये थोड़ी समझने और दिल पे लगाने वाली बातें हैं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, फिर मैं ये पांच मंत्र बताता हूँ और आपको गाना भी सुनाएंगे। ये पांच मंत्र बताएंगे फिर गाना भी। आपका कोई क्वेश्चन है आरसी को लेके, आज की क्लास को लेके, वो आप पूछ सकते हैं। पहला बात क्या है कि भाई ये अंदर की बात है, शक की कोई जगह नहीं है। ठीक बोले एकदम यश बंसल, बिल्कुल सही। हाँ, ये अंदर की बात है, मतलब क्या हुआ भैया? आंसर इज विद इन द पैसेज, ये पकड़े रखना है, आंसर बाहर नहीं है, अपने आप स्कोर आएगा। फिर हर आरसी कुछ कहता है, अगर आप ये समझ पाए कि वो आरसी क्या कह रहा है। सर आर्टिकल पढ़ रहा हूं, बहुत समझ में नहीं आया गया, कम आर्टिकल पढ़ो, समझ में ज्यादा लाओ, डिस्कस करो आर्टिकल को, यश जैन, राइट। खाली पढ़ने से नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी के साथ बैठो, डिस्कस करो, समझाओ किसी को कि ये कहता है, ये आर्टिकल ये चीज़ बोल रहा है, इसका मेन मुद्दा ये कहना चाहता है यार ये, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, इज द ऑप्शंस जो दी हुई हैं उसी ने इसको गड़बड़ किया है। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था, ऑप्शन ने जान और ऑप्शन क्रिएट की गई है, इल्यूजन है, माया है, माया जाल है, ये माया जाल है, राइट। और बात करने से ही बात बनती है, जो कि आज मैंने बताया आपको, अनफेमिलियर बिकम्स फैमिलियर व्हेन यू वांट इट टू। अगर आप करना चाहेंगे तो करेंगे ना बात, यार क्या प्रॉब्लम क्या है, राइट। और लास्ट वाली चीज जो है भाई, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, अच्छा नहीं गाता ना, ठीक है। तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। अब मेरा क्वेश्चन जो अटक जाता है वो इस पे अटक जाता है कि ये जर्द क्या है, ठीक है। कुछ लोग तो सर्द सितारा ही बोल देते हैं, अभी सर्दियों का सितारा होगा, ठीक है। कुछ कहते हैं अभी है, कुछ भी है, आई डोंट नो, बट देयर इज ए जर्द सितारा, सबने ये गाना सुना हुआ है। अब मेरे को बताइए भाई ये जर्द का मतलब क्या है, गूगल से मत देखना, ठीक है। बताओ भाई जर्द का मतलब क्या है, नहीं पता बहुत लोगों को। इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी टू लर्न। अगर आपको सीखना है आप गाने में भी सीख सकते हैं, राइट। पर अगर नहीं सीखना है तो भाई गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो जर्द सितारा क्या है वो जानते हैं, पर उसके पहले कुछ ऐसे सवाल मैं पूछता हूँ आपसे जो शायद आपने नहीं देखे। क्या आपने सोचा सैमसंग का मतलब क्या होता है? चले जा रहे सैमसंग मतलब सैमसंग, सैम ने गाना गाया, सैमसंग सैमसंग। ये नहीं सोचते कि विटामिन ए बी सी डी होता है, ए बी सी डी ई होता है, ये एफ जी एच क्यों नहीं होता, आई जे के होता है शायद, ये पांच विटामिन किधर गए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे आज की डेट में नहीं पूछ रहा, और ना ही ये क्वेश्चन पूछने का पर्पज यह कि आपको आता है नहीं आता है। मेरा सवाल ये नहीं है कि आपको ये सवाल नहीं आता, मेरा सवाल ये है
कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। पहली बार जब आपको स्कूल में पांचवी छठी सातवीं क्लास में पढ़ाया गया, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि सर हमारा रंग, हमारा काले रंग की भैंस हरे रंग का चारा खाके सफेद दूध देती है, फिर उसको पी के हमारा खून लाल हो जाता है। आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, राइट? सोनरस करण सेज जर्द मींस पूछने लगा था इसका मतलब सर। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, जिनको पता है, जिन्होंने ढूंढा है, बहुत अच्छा है, बट अगर आप समझेंगे तो बात समझ में आएगी कि ये अंदर की बात है। आपको देखना है, मीनिंग ढूंढना है, आपको क्वेश्चन करना है। इफ यू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन, काम खत्म। यही तो हमारा सोक्रेटिस कहता है, यही तो न्यूटन कहता है कि यार ये सेब ऊपर से नीचे क्यों आता है। उसने थोड़ी किताब में, उसको थोड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों आता है। न्यूटन वॉज नॉट टॉट इट इन एनी यूनिवर्सिटी। सो भाई आप खुद के सबसे बड़े टीचर हैं, राइट? तेरे संग यारा, किसके संग? खुद के संग, अपने संग। ये जो तेरा है, तेरा मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई खुश रंग भारत, तुम्हारी आरसी कौन सुधार सकता है? तुम और सिर्फ तुम, मैं या कोई भी बंदा आपकी आरसी नहीं सुधार सकता है जब तक आप उसको सुधारने का डिसाइड नहीं करते। और अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है जो आपको रोक दे कि भैया तुम्हारा आरसी सुधर नहीं सकता। आपने किया ही कुछ नहीं आज तक, ऐसे रोते रहते हैं आरसी नहीं और आरसी नहीं और आरसी नहीं और आरसी नहीं। अरे भाई तुम करो जो मैंने बताया, ये 6 महीने करो। मेरे को पकड़ना, सर आरसी नहीं हुआ, आपने जो बताया था मैंने किया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। करने से होगा ही होगा, क्योंकि बाकी लोगों ने जो किया वो थोड़ी ना बाय डिफॉल्ट अपलोड करा के लाए थे पेन ड्राइव में, भी जन्म हुआ था उसका और जन्म से ही उसने पेन ड्राइव में अपलोड करा लिया कि कर दो भाई मेरे में आरसी अपलोड कर दो। जिसको भी आता है उस बंदे ने कुछ किताबें पढ़ी हैं बचपन में, स्कूल के टाइम में, दैट्स इट। उसके कोई दो सींग नहीं लगे हैं, कोई चार आंखें नहीं लगी हैं उसके, कोई दो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है कि भाई उसका रैम ज़्यादा भगवान ने डाल दिया है। आपका भी उतना ही, उसका भी उतना ही। इट इज जस्ट मैटर दैट उसने वो पढ़ लिया पहले, आपने नहीं। सेम इज फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है? इसमें बहुत सारे कारण रहे होंगे कि आपका इंटरेस्ट नहीं बना, राइट? राइट, सोनरस करण कहते हैं आई डेट मी वाला सेशन है, गुड है भाई, ठीक है जी। तो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर योर दिस थिंग, फॉर योर वकैम मंत्रा, तेरे संग यारा खुश रंग भर। अपने साथ एक कमिटमेंट करो 1 महीने का, फिर अगले महीने का, फिर अगले महीने का, कि ये जो सर ने बताया ये करना है, ऐसे तैयारी होगी आरसी की। और जो लोग ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, वो थोड़ा और हाई लेवल टेक्स्ट पढ़ें, ठीक है, थोड़ा और अंदर घुस जाएं, राइट? और उस स्कोर को 50 से 70, मतलब मान लो आज ही आपका 50 आ रहा है भैया, तो आपके लिए खुश होकर बैठने वाली बात नहीं, आप उसको 90 पे लेके जाइए, ठीक है? जैट, स्नैप, आईएसी, आईएफटी, पिछले सारे सालों का कर दो, खोल दो सब, राइट? और जिस जिस सोर्स से वो आया है उस सोर्स को पढ़ना शुरू करो। गूगल पे डालो जैट का 2018 का आरसी, उठा लो सारे के सारे, उठाओ फिर देखो, जाओगे रूमी पढ़ने। 2018 के जैट के अंदर रूमी की पोएम आती है, पर्शियन लैंग्वेज के पोएट हैं, राइट, फिलोसोफर भी हैं। वो कहते हैं कि भाई यू नो, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको, जो हमारी जो पूरा ये मिस्टिक सूफीज्म रहता है उसमें रूमी का एक नाम है, राइट? तो उस लेवल पे पहुंच जाओ, आर यू गेटिंग? अगर तो उसको आगे लेके चलो। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, राइट? हाँ, हाउ टू कैच दोज वर्ड्स विच अनोइंगली ट्विस्ट अस। देखो वोकैबुलरी के लिए जब मैं करूँगा तब मैं बताऊँगा, अभी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, यू मस्ट गो एंड ट्राई टू लर्न दैट वर्ड, दैट्स एज सिंपल एज दैट। कोई भी कहीं से भी कैसा भी शब्द है, कुछ भी आपके सामने आ रहा है, यू शुड हैव ए क्वेस्ट टू लर्न दैट। सिंपल, ये बठिंडा बठिंडा क्यों कहते हैं भाई बठिंडा को, उसमें भी लर्निंग आ जाएगा, राइट? एनी वर्ड, राइट? कैट जो जाती है, जो शेर है, उसको बिग कैट क्यों कहा जाता है, राइट?
ठीक है ना भाई, कहीं पे भी है, कैनाइन है, कैनाइन हमारे भी जो दांत होते हैं उसको भी कैनाइन कहते हैं, कुत्तों की जो प्रजाति रहती है उसको भी कैनाइन बोल देते हैं, इनमें सेम सिमिलरिटी क्या है भाई, राइट? अपने आप बनेगा, राइट? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप पे विश्वास करना है और तोड़ फोड़ मचा देनी है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बात नहीं है भाई, अंग्रेजों को हिंदी कहाँ आती है, बात हिसाब बराबर हो? आपको तो फिर भी एक तो अपनी मदर टंग आती होगी, जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र से तो मराठी आती होगी, ठीक है, और एक आपको हिंदी आती है, दो और आधी अंग्रेजी आती है, ढाई हो गए ना, अंग्रेज को तो आधी ही आती है, वो भी अंग्रेजी आधी आती है उसको, तो आप तो उससे ढाई गुना बेटर हो गए। आर यू गेटिंग इट? अंग्रेजी आना दिमाग का कोई लेना देना नहीं, और यू कैन बी ए गुड स्कॉलर ऑफ एनी लैंग्वेज, डजंट मैटर, एंड यू कैन बी पॉलीग्लॉट ऑल्सो। पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब बहुत सारा, ग्लॉट मतलब भाषा, बहुत सारी भाषाओं के आप हो सकते हैं, राइट? चलिए, अच्छा, एक सभी लोगों से ये है कि भाई जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। अच्छा, आज चलो भाई मैं एंड करता हूँ, जाते जाते बताते हैं भाई, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर कर दें, ठीक है? ये दोनों टेस्ट देने हैं, माई करियर की ऐप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, इन दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलो जी, ओके, बाय बाय। और ये जो मैं आपको बताया है ये प्लान कर लोगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है जी, ओके, बाय बाय। ये हमारा शेड्यूल चलेगा नेक्स्ट वीक, ठीक है? सपने उन्हीं के साकार होते हैं भाई जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। ड्रीम कम्स टू ओनली फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।